एक के बाद एक ये ट्वीट्स अखिलेश यादव की ट्विटर पोस्ट से निकाले गए हैं। ये अखिलेश के इस पोस्ट का जवाब है जिसमें वो जहांगीरपुरी हिंसा का जिक्र करते हैं। इन ट्वीट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब आप पूछेंगे, नाराजगी क्यों? अब आप खुद ही सोचिए, इतनी बड़ी घटना के बाद अखिलेश ने मुंह तक नहीं खोला, जिसके बाद गुस्सा उन लोगों ने दिखा दिया जिनके वोट के जरिए इस बार अखिलेश थोड़ी बहुत इज्जत बचा पाए। दरअसल पिछले हफ्ते दिल्ली के जहांगीरपुरी कांड के बाद घटना स्थल पर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर एक खास कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कैप्शन था, देखो अखिलेश यादव जहांगीरपुरी पहुंच गए हैं और ओवैसी तुम कहां हो? क्या तुम सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए ही बने हो? दरअसल जहांगीरपुरी कांड पर अखिलेश यादव की खामोशी पर सोशल मीडिया उन्हें ट्रोल करने लगा और उन्हें ट्रोल करने का यही एक तरीका था। ट्रोलिंग से बचने के लिए अखिलेश यादव को आनन फानन में जहांगीरपुरी जाने के लिए एक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बनाना पड़ा। वैसे 2022 के चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव पर मुस्लिम हितों की अनदेखी करने का आरोप लगता रहा है। वो लगातार सवालों के घेरे में है। विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने उनके लिए गोल बंद होकर वोट डाला, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज वो उनसे जुड़े मुद्दों पर चुप हैं, जो अखिलेश यादव पहले मुखर होकर बोल रहे थे। चुनाव के बाद अलग अलग वजहों से जिले में दर्ज हो रही FIR पर भी अखिलेश चुप हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। आजम खान ने भी एक बयान दे दिया, कह दिया समाजवादी पार्टी को जिस मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था वो खड़ी नहीं हुई। ये सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों को अखिलेश यादव से ही सबसे ज्यादा अपेक्षा क्यों है, तो इसका सीधा सा जवाब है मुलायम सिंह यादव। लेकिन मुलायम सिंह यादव क्यों? दरअसल मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं अखिलेश यादव, जिनका मुसलमानों के साथ अटूट रिश्ता रहा है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के वक्त मुलायम सिंह यादव खुलकर मस्जिद बचाने के पक्ष में खड़े हुए। मुसलमान प्लस यादव के गठजोड़ ने ही उन्हें यूपी की राजनीति में एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। अखिलेश ने कमान संभाली तो मुसलमानों को लगा कि अखिलेश भी मुलायम की तरह उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। शायद इसके पीछे की एक वजह ये भी हो कि अखिलेश यादव एक ऐसी तस्वीर बनने नहीं देना चाहते जिसमें ये संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन उन मुसलमानों का क्या जिन्होंने वोट देकर अखिलेश यादव की इस बार थोड़ी बहुत ही सही लेकिन नैया को किनारे लगाने की कोशिश की। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।